हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर एज अ होम मेकर आपके अंदर अपने डेली कोर्स को पूरा करने का मोटिवेशन नहीं बचा है और आपके लिए घर को मैनेज करना मुश्किल हो गया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रही हूँ जिनके हेल्प से आप अपने रोज़ के कामों को सिंप्लीफाई करके एक एफिशिएंट होममेकर बन सकती हैं। तो बिना देर किए आइए जानते हैं ऐसे अमेजिंग तरीके जिनके हेल्प से आप अपने घर के कामों को आसान बना सकती हैं। फ्रेंड्स, हमारे होममेकिंग का एक सिग्निफिकेंट पार्ट होता है मील प्रिपरेशन, और हम होममेकर्स के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में हमें क्या बनाना है। ऐसे में अगर हर दिन हम स्पेशल और कॉम्प्लेक्स मील बनाएंगे, तो इससे हमें मील प्रिपेयर करने में कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको किचन और बर्तनों को क्लीन करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे में आप जल्दी थक जाएंगे और घर के बाकी के कामों के लिए आप में एनर्जी नहीं बचेगी। इसलिए फ्रेंड्स, अपने मील्स को सिंपल और क्विक रखिए, ऐसे मील्स जो आसानी से 20 से 30 मिनटों में बन जाएं, ऐसे मील्स जो हेल्दी और न्यूट्रिशियस हों और आपके लिए उन्हें बनाना भी आसान हो। स्पेशल मील्स आप वीकेंड्स पर बना सकते हैं। दोस्तों, इन सिंपल मील्स को मंथ में रिपीट और रोटेट करते रहिए। इससे आपके लिए मील प्लानिंग और ग्रॉसरी शॉपिंग भी बहुत आसान हो जाएगी। अपनी रूटीन्स को सिंपल रखिए, चाहे ये आपका डेली, वीकली और मंथली रूटीन हो। अपनी रूटीन्स को शॉर्ट और सिंपल रखिए और इन रूटीन्स में 4 से 5 टास्क से ज़्यादा टास्क ऐड मत कीजिए। अपने डेली कोर्स को मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग रूटीन में डिवाइड कर लीजिए। हर रूटीन में कुछ मुश्किल और कुछ सिंपल टास्क को साथ में पूरा कर लीजिए। अगर आपको अपनी होम मेकिंग को आसान बनाना है, तो आपको डेली रूटीन्स ज़रूर फॉलो करने चाहिए। फ्रेंड्स, अपने घर को क्लीन रखने के लिए सिंपल क्लीनिंग मेथड्स का यूज़ कीजिए। हर रोज़ रेगुलरली अपने घर के लिए एक क्लीनिंग रूटीन फॉलो कीजिए। इससे आपका घर मोस्टली क्लीन रहेगा और आपको क्लीनिंग में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना होगा। ढेर सारी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के बजाय सिंपल क्लीनिंग सॉल्यूशंस का यूज़ कीजिए। किसी भी रूम की क्लीनिंग टॉप से बॉटम की ओर कीजिए। फ्लैट सर्फेसेस को क्लीन करने के लिए माइक्रोफाइबर क्लोथ्स का यूज़ कीजिए। आप जितने कॉम्प्लेक्स क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे, आपकी क्लीनिंग उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। अगर आप एज अ होम मेकर अपनी लाइफ को आसान बनाना चाहते हैं, तो टाइम टू टाइम अपने घर से यूजलेस आइटम्स की डीक्लटरिंग करते रहिए। ऐसे क्लोथ्स जिन्हें आपने एक साल से यूज़ नहीं किया है, उन्हें मोस्ट प्रोबेबली आप फ्यूचर में भी यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, टाइम टू टाइम ऐसे क्लोथ्स की डीक्लटरिंग कर लीजिए। फ्रेंड्स, हमारी होम मेकिंग को मुश्किल बनाने में बच्चों के टॉयज़ का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए बच्चों के यूजलेस टॉयज़ को भी टाइम टू टाइम डिक्लटर करते रहिए। बच्चों के बुक शेल्फ में वही बुक्स रखिए जिनका वो यूज़ कर रहे हों। बाकी के पुराने बुक्स को आप डोनेट कर सकते हैं। इससे बच्चों का रूम और उनका बुक शेल्फ दोनों ही ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। आपकी लाइफस्टाइल जितनी सिंपल होगी, आपकी लाइफ में उतना ही कम स्ट्रेस होगा और ये आपके ओवरऑल फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर आप किसी रैट रेस में शामिल नहीं होते हैं, तो आपके पास काफ़ी लीजर टाइम होता है। जब आप सिंपल और न्यूट्रिशियस खाना खाते हैं और ख़ुद को रेस्ट देते हैं, तो इससे ओवरऑल आपका हेल्थ अच्छा रहता है। इसलिए फ्रेंड्स, दिखावे की लाइफस्टाइल की जगह एक सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए।
अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर एसेंशियल चीज़ों पर फोकस करना। और ऐसा आप तब कर पाते हैं जब आप इवैल्यूएट करते हैं कि आपके ऐसे कौन से हैबिट्स हैं जो आपकी होम मेकिंग में डिस्ट्रैक्शन की तरह हैं। जैसे लंबे फ़ोन कॉल्स, हमेशा सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते रहना और टीवी शोज देखना वगैरह। एटलीस्ट घर के इम्पॉर्टेंट कामों के बीच में इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए और फ्री टाइम में ये काम कीजिए। एज अ होम मेकर ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने घर के फाइनेंसेस को एफिशिएंटली मैनेज करें। इसलिए फ्रेंड्स, अपने फाइनेंसेस को बेटर मैनेज करने के लिए फिजूल खर्ची से बचना चाहिए और जितना पॉसिबल हो सिंपल लाइफ को फॉलो करना चाहिए। हर महीने के लिए एक मंथली बजट बनाइए और उस पर कायम रहिए। हर मंथ आपको ग्रोसरीज, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पर कितना स्पेंड करना है ये डिसाइड कर लीजिए और फिजूल खर्ची से बचिए। कपड़े भी उतने ही परचेज कीजिए जितने की आपको रिक्वायरमेंट हो। अननेसेसरी कॉस्मेटिक्स और क्रीम्स पर भी ज़्यादा स्पेंड मत कीजिए। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे टिप्स थे जिनके हेल्प से आप अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करके अपनी होम मेकिंग को इजी और इन्जॉयबल बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।